गुड मॉर्निंग एवरीवन। कंटिन्यूइंग विद अवर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लोन्स। हर एक पॉलिसी जिसकी सरेंडर वैल्यू होती है, उस पॉलिसी की एक लोन वैल्यू भी होती है। जो इंश्योरर है उसे उस पॉलिसी होल्डर को उसकी पॉलिसी के ऊपर वो लोन ग्रांट कर सकता है एज पर द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द पॉलिसी। जनरली जो लोन्स होते हैं वो एंडोमेंट पॉलिसीज के ऊपर अवेलेबल होते हैं। जो पर्सन होता है उसे लोन वापस करना पड़ता है टुगेदर विद द इंटरेस्ट। जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो ऑल्सो अलाउ करते हैं कि जो ये पॉलिसीज है उसके अगेंस्ट वो लोन दे सकते हैं। एज पर सेक्शन 27 सबसेक्शन 1 पार्ट 0 ऑफ लाइफ इंश्योरेंस एक्ट 1938, जो इंश्योरेंस कंपनी है वो लोन दे सकती है विद इन सरेंडर वैल्यू अगेंस्ट दी पॉलिसीज जो उन्होंने इशू की हैं। इसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या हैं लोन ग्रांट करने के लिए? एप्लीकेशन लोन की आपको देनी पड़ती है विद एन एंडोर्समेंट ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस जो लोन की हैं, जो प्लेस की गई हैं ऑन दी पॉलिसी। देन जो पॉलिसी है वो आपको असाइन करनी पड़ेगी इन फेवर ऑफ इंश्योरर या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। रिसिप्ट आपको लोन अमाउंट की मिलेगी, वो भी आपको जरूरी है, रिक्वायरमेंट है। देन नेक्स्ट है आपका जो मैक्सिमम लोन अमाउंट अवेलेबल है अंडर द पॉलिसी वो होता है 90% सरेंडर वैल्यू का। जो पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू है उसका 90% इंक्लूडिंग कैश वैल्यू ऑफ बोनस, मतलब जो पॉलिसी है उसमें कैश वैल्यू ऑफ बोनस इंक्लूड करके जो अमाउंट आएगा उसका 90%। इन केस आपकी पेड अप पॉलिसीज है तो जो अवेलेबिलिटी है दैट इज 85% ऑफ द सरेंडर वैल्यू आपको लोन की फॉर्म में मिल सकता है। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो वेरी करता है इंश्योरर टू इंश्योरर। जो LIC चार्ज करती है इंटरेस्ट वो है 9% पर एनम, और ये जो इंटरेस्ट होता है हाफ ईयरली बेसिस पर पे होता है। जो लोन्स है वो ग्रांट कर सकते हो आप मिनिमम जो 6 मंथ्स का पीरियड है उसके लिए। इन केस जो क्लेम है वो अराइज हो जाता है ड्यू टू डेथ और मेजॉरिटी उन्हीं 6 मंथ्स में फ्रॉम द डेट ऑफ लोन इंटरेस्ट जो है वो चार्ज किया जाएगा अप टू मेजॉरिटी और डेथ। देन नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज प्रोहिबिशन ऑन लोन्स सेक्शन 29। कहाँ कहाँ पर आपने जो है रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई है या प्रोहिबिट किया हुआ है कि आप लोन्स नहीं दे सकते। जो इंश्योरेंस है वो ग्रांट नहीं कर सकता जो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी या किसी भी पर्सनल सिक्योरिटी पर किसी भी डायरेक्टर को, मैनेजर को, मैनेजिंग एजेंट को, एक्चुअरी को, ऑडिटर को, ऑफिसर ऑफ द कंपनी को। लेकिन जो लोन है उन्हें ग्रांट किया जा सकता है अगेंस्ट द पॉलिसी। फर्दर जो आपका इंश्योरेंस कंपनी है वो ग्रांट कर सकती है लोन या एडवांस दे सकती है अपनी सब्सिडरी या सब्सिडरीज को। अगर जो लोन है वो ग्रांट किया गया है सब्सिडरी को तो उसे आप आउट ऑफ लाइफ एश्योरेंस फंड दे सकते हैं। और जो ये मैटर है इसको आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा IRDA को विद इन 30 डेज, उस लोन और एडवांस के बारे में आपको बताना पड़ेगा। देन जो प्रोविजंस है सेक्शन 86D के ऑफ द इंडियन कंपनीज एक्ट 1913 वो एप्लीकेबल नहीं होते ना ही कंपनी के ऊपर ना ही डायरेक्टर के ऊपर, अगर ये जो लोन है आपने दिया है अगेंस्ट द पॉलिसी जो उसकी खुद की लाइफ पर है या जो लोन है वो विद इन सरेंडर वैल्यू ऑफ द पॉलिसी है। कोई भी इंश्योरेंस कंपनी ग्रांट नहीं कर सकती लोन अंडर सेक्शन 29 सबसेक्शन 1। क्या किसी भी तरीके का लोन या टेम्परेरी एडवांसेस, चाहे वो हाइपोथेकेशन ऑफ प्रॉपर्टी पर हो या किसी पर्सनल सिक्योरिटी पर हो या अदरवाइज, एक्सेप्ट जो लोन्स स्पेसिफाइड हैं अंडर सेक्शन 27 सबसेक्शन 1। टेम्परेरी एडवांसेस किसी चीफ को, स्पेशल एजेंट को, इंश्योरेंस एजेंट को, उन्हें अपने फंक्शंस को कैरी आउट करने के लिए जो ये ग्रांट एडवांसेस अगर आपने ग्रांट करने हैं तो उसके ऊपर कुछ कंडीशंस लगी हुई है। वो क्या है? अगर वो चीफ एजेंट है तो जो लोन का अमाउंट है वो एक्सीड नहीं करेगा जो भी ओवरराइडिंग रिन्यूअल कमीशन उसने ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर अर्नड की है उससे ज्यादा वो नहीं हो सकता। इन केस स्पेशल एजेंट है तो जो लोन अमाउंट है वो किससे ज्यादा नहीं हो सकता जो भी रिन्यूअल कमीशन उसने अर्न की है प्रीवियस ईयर में। और जो अमाउंट ऑफ टेम्परेरी एडवांस है जो रीपेबल होना चाहिए विद इन 2 ईयर्स जिस डेट को वो जो स्पेशल एजेंट है फर्स्ट अपॉइंट किया गया था
उस डेट से, और वो आपका 500 से ज़्यादा नहीं हो सकता। इन केस अगर आपका एक इंश्योरेंस एजेंट है तो जो अमाउंट ऑफ लोन है वो जो भी उसने रिन्यूअल कमीशन अर्न किया है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, और जो अमाउंट ऑफ टेम्प्रेरी एडवांस है वो 100 रुपीज़ से ज़्यादा नहीं हो सकता, और वो रिपेबल होगा विद इन 2 ईयर्स जिस डेट को जो वो इंश्योरेंस एजेंट फर्स्ट अपॉइंट हुआ था। जो टोटल अमाउंट है जो एडवांसेस की फॉर्म में इंश्योरर दे रहा है वो 10,000 रुपीज से ज़्यादा का नहीं हो सकता, अगर उसका जो बिजनेस है वो 1 करोड़ रुपये की उसकी लिमिट है या ज़्यादा की है, और रुपीज़ 5,000 से ज़्यादा नहीं हो सकता इन एनी अदर केस। देन जो प्रोविजंस है सेक्शन 29 के वो अप्लाई होते हैं कोऑपरेटिव लाइफ इंश्योरेंस सोसाइटीज को भी। देन आता है हमारा एडिशनल, जो पॉलिसी होल्डर है वो ड्यूरिंग द टर्म ऑफ द लाइफ एक से ज्यादा लोन ले सकता है, लेकिन जो एडिशनल लोन है जो उसने प्रीवियस लोन लिया है इंश्योर ने, एडिशनल लोन जो है उसके साथ जुड़ के 90% से ज़्यादा आपका नहीं होना चाहिए। वही चीज़ की जो भी आप जितने भी लोन्स ले रहे हो आप अपनी पॉलिसी के ऊपर, उनका टोटल 90% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 90% किसका? आपकी सरेंडर वैल्यू का, अगर पेड अप पॉलिसी है तो 85%। जब एडिशनल लोन आपको ग्रांट किया जा रहा है तो जो भी आपका ओवर ड्यू इंटरेस्ट है प्रीवियस लोन पर उसे डिडक्ट कर दिया जाता है। देन आता है इन एलिजिबल इंश्योरेंस प्लान कौन से हैं लोन्स के लिए, मतलब किन प्लान्स पर आप लोन्स नहीं ले सकते हो। जो भी आपके एन्युटीज एंड पेंशन प्लान्स हैं वो एलिजिबल नहीं है लोन्स के लिए, क्योंकि वो एडिक्वेट सरेंडर वैल्यू एक्वायर नहीं करते हैं। जो मनी बैक पॉलिसीज हैं उन पे भी आप एलिजिबल नहीं हो लोन लेने के लिए, क्योंकि जो पीरियोडिक पेमेंट्स है उसमें की जाती है पॉलिसी होल्डर्स को, तो जो पॉलिसी है उसकी कोई सिग्निफिकेंट सरेंडर वैल्यू नहीं होती। जो लोन है वो ग्रांट नहीं किया जा सकता ड्यूरिंग द डेफरमेंट पीरियड। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है सरेंडर ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी, इसे हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।